हेलो फ्रेंड्स, मितुस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आपके सामने आए हैं। ये रेसिपी है चुस्की और गोला। जो हम मार्केट में चुस्की गोला खाते हैं उसके ऊपर जो हमारा सिरप रहता है, जिसे आप बहुत ही टेस्ट लेके खाते हैं, वही सिरप आप अपने घर पर कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। तो उसके लिए यहाँ मैंने सबसे पहले ली है 1 कप चीनी। ये मेरी 200 ग्राम्स चीनी है। तो चलिए सुगर सिरप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब हम सबसे पहले पैन में पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने पहले से ही 1.5 कप पानी मेजर करके रखा हुआ है। तो आप कोई भी कप सेट कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप इन सब चीजों का मेजर करें। चीनी और पानी आप उसी से लें। तो ये मैं इसमें 1 कप चीनी डाल देती हूँ। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो हाई फ्लेम पे हम चीनी को चलाते हुए पका लेंगे। चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है पहले। ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अभी हमें इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही पकाना है ताकि जो हमारा सिरप है थोड़ा सा गाढ़ा हो सके। उससे पहले इसमें मैं यहाँ डालूंगी 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम रॉक सॉल्ट, इसे सेंधा नमक बोलते हैं, जो हम व्रत में यूज करते हैं वही नमक हमें इसमें डालना है। और यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 बड़े चम्मच नींबू का रस। तो ये दोनों चीजें जो है ये हमारी चाशनी को क्रिस्टलाइजेशन से बचाते हैं। तो इससे जो क्या होगा, हमारा जो शुगर सिरप है आप उसे चाहे कितना भी बाहर रखिए, फ्रिज में रखिए, पर वो चिपकेगा नहीं, गाढ़ा नहीं होगा, मतलब उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। तो लगभग 1 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। सिर्फ 1 मिनट तक मैंने इसे हाई फ्लेम पे पकाया है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। यहाँ मुझे कोई तार बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो इसलिए ज्यादा ना पकाएं। तो हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और अब हम चाशनी को पहले पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर जब चाशनी आएगी तो उसके बाद ही हम गोले के लिए जो सिरप बनाना है हमें वो रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सिरप है वो हल्का ठंडा हो चुका है। अभी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है पूरी तरीके से, बट काफी हद तक ये ठंडा हो गया है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, इसी कंसिस्टेंसी में आपको सिरप को रेडी करना है क्योंकि ठंडा होने पे ये थोड़ा और गाढ़ा होता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, परफेक्ट मेजरमेंट है। तो मैं आपको चलिए जो डिफरेंट कलर्स आते हैं या फिर डिफरेंट फ्लेवर्स में जो आप गोला खाते हैं वो कलर्स और फ्लेवर्स कैसे आते हैं वो बता देती हूँ। तो इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको काफी सारे कलर्स बनाकर दिखाने वाली हूँ तो इसलिए मैं ये छोटे छोटे बाउल्स यूज करने वाली हूँ। तो इसमें मैं ये थोड़ा सा शुगर का सिरप इसमें डालूंगी। ये भर के 1 चम्मच ले लेती हूँ। लगभग ये 3 बड़े चम्मच में आपको बना के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा बना के बता रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं डालने वाली हूँ। हर तरीके का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ मैंने लिया है ये ऑरेंज इमल्शन। ऑरेंज इमल्शन मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो इस तरीके का इमल्शन जो होता है उसमें कलर और फ्लेवर दोनों होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इमल्शन का ही यूज़ करें क्योंकि आपको कलर के साथ फ्लेवर भी मिल जाएगा। अगर आप नहीं मिलता है आपको तो आप सिंपली फूड कलर और ऑरेंज फ्लेवर अलग अलग परचेज कर सकते हैं। 1 चम्मच में मैं थोड़ा सा लेती हूँ इसमें, लगभग मैं इसमें 1/4 चम्मच के करीब लेके इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा हमारा सिरप रेडी हो गया है। जो गोले वाले यूज करते हैं, जो आप मार्केट में बर्फ का गोला खाते हैं, वो इसी तरीके से सिरप को रेडी करके रखते हैं और बोतल में भर लेते हैं। हमारा ऑरेंज सिरप जो है रेडी हो गया है। अब हम चलिए दूसरा सिरप बनाते हैं। अब यहाँ हम दूसरा बाउल लेंगे। इसमें भी मैं सेम इसी तरीके से जो हमारा शुगर सिरप है इसको ये भर के 1 चम्मच ले लेती हूँ। कोई दूसरा इमल्शन ऐड करके बनाते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है मैंगो का राइप इमल्शन।
ये इमल्शन भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट बनाइए, मैं तो आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी एक इमल्शन बना के तैयार करके रखिए, उससे बर्फ का गोला बनाकर रेडी कर लीजिए। तो अब मैं इसमें, यहाँ मैंने ये मेजरिंग स्पून लिया है 1/4 चम्मच वाला, इससे मैं ये मैंगो फ्लेवर डाल देती हूँ इसके अंदर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा मैंगो फ्लेवर का इमल्शन रेडी हो गया है, मैंगो फ्लेवर सिरप हमारा रेडी है। तो इस तरीके से आप ये सभी रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको दो इमल्शन से कैसे आप जो हमारा सिरप है उसे बना सकते हैं ये बता दिया है। अब मैं आपको बिना इमल्शन के कैसे आप सिरप बना सकते हैं वो बताती हूँ। तो ये मैंने एक और बाउल ले लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें फ्लेवर। तो ये जो हमारे एसेंस होते हैं ये मार्केट में अलग से मिलते हैं, ये मिक्स फ्रूट एसेंस है। तो इसकी मैं कुछ ड्रॉप्स इसमें डालूंगी, लगभग 2 ड्रॉप्स, आप 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें डाल दीजिए। और यहाँ मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर, 1 पिंच ग्रीन फूड कलर लिया है, तो मैं ये इसमें डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड कलर मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं इसमें इस कलर का यूज़ कर रही हूँ। तरीके से भी आप सिरप को बना सकते हैं। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्रीन कलर का सिरप बिल्कुल रेडी है। और जो कलर की मात्रा है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो थोड़ा और डाल लीजिए, लेकिन मेरे लिए सफिशियंट है तो मैं इतना ही डालूंगी इसमें। तो ये हमारा ग्रीन कलर का सिरप रेडी हो गया है। चलिए तो अब हम दूसरा सिरप बना लेते हैं इसी तरीके से, इसे भी साइड में रख लेते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें ये रेड फूड कलर डाल देती हूँ, या मैंने 1 पिंक से भी कम रेड फूड कलर लिया है। और इसमें मैं डालूंगी रोज एसेंस की 2-3 ड्रॉप्स इसमें डाल देते हैं। इसमें जो हमने रॉक सॉल्ट डाला है और लेमन जूस डाला है ये इसमें प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है। तो 2-3 ड्रॉप मैंने इसमें रोज एसेंस डाल दिया है, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाता है। फ्रेंड्स, जो कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपको डार्क पसंद है उतना आप इसमें डाल के अच्छे से मिला लीजिए बस। रेड कलर का सिरप भी रेडी हो गया है, इसे मैंने रोज फ्लेवर में बनाया है तो इसे भी साइड में रख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भी हमारा 3 बड़े चम्मच शुगर सिरप निकल आया है इसमें से। तो अब मैं इसे किसी अलग फ्लेवर में बनाना चाहती हूँ, मैं इसके लिए वनीला एसेंस यूज करूंगी, क्योंकि वनीला एसेंस हमारे पास सभी के पास होता है। तो वनीला एसेंस ले लीजिए, तो इसमें मैं 1-2 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाल देती हूँ। ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1-2 ड्रॉप ही डालेंगे वनीला एसेंस के। और यहाँ मैंने लिया है ये ब्लू कलर, तो ये लिक्विड फूड कलर है, इसे मैं डालूंगी। ये मैंने 2 ड्रॉप्स डाल दिए हैं, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा ब्लू कलर भी रेडी हो गया है। ये जो है ये मैंने वनीला फ्लेवर में बनाया है, तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर बना है। जब इसका गोला बनेगा ना, तो इन सारे कलर से मिक्स होके जब गोला तैयार होगा वो खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये गोला आपने घर पे बनाया है, वो भी खुद के बनाए हुए सिरप से। तो ये हमारे इतने टाइप के सिरप्स रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमने कौन कौन से फ्लेवर के सिरप बनाए हैं। इतने सारे तरीके के सिरप हमारे घर पर बहुत आसान तरीके से रेडी हो गए हैं। तो ये मैंने ऑरेंज फ्लेवर बनाया है, मैंगो फ्लेवर बनाया है, रोज फ्लेवर बनाया है, मिक्स फ्रूट फ्लेवर बनाया है, और यहाँ इसे मैंने वेनिला फ्लेवर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे 5 तरीके के सिरप कितने आसानी से रेडी हो गए हैं। गोला बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट सिरप हमने घर पर बनाकर तैयार किए हैं। ये देख सकते हैं इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मार्केट जैसे सिरप से है। इसी तरीके का सिरप ये लोग गोले वाले जो बाजार में बर्फ का गोला बनाते हैं वो इसी तरीके के सिरप को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में रेसिपी को शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।